हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 को कंप्लीट किया था, जिसका नेम क्या था बच्चों? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसको हम क्या बोलते थे? थ्योरी थ्योरम। आइए आज हम नेक्स्ट थ्योरम 6.2 को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या बच्चों? एक कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, मतलब क्या है, जो थेल्स थ्योरम में था उसका अपोजिट आपसे पूछा है। चलिए हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, उसने बोला कि एक लाइन है ना, एक ट्रायंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, किसमें? इन द सेम रेशियो। रेशियो का क्या है बच्चों? सेम है। ओके, तो उसने बोला देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको प्रूव क्या करना है, जो लाइन ड्रॉ हुई है ना, वो क्या करेगी? तीसरी साइड के पैरेलल होगी। चलिए हम एक बार देखते हैं इसको, पहले फिगर बनाते हैं। हमने देखा दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई, ए बी सी एक ट्रायंगल है। उसने क्या बोला है कि ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स। अब मान लो सपोज दिस इज ए लाइन, अब ये टू साइड्स क्या कर रही है, ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, कर रही है ना। यहां पे हमने भाई थेल्स थ्योरम में भी यही देखा था, इसको हम बोलते हैं डीई, ठीक है। ये क्या कर रही है बच्चों, लाइन डिवाइड्स टू साइड्स को डिवाइड कर दिया उसने, सेम रेशियो में कर दिया। ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है ना, कौन सी लाइन बच्चों? जो डीई है, वो डीई आपको क्या प्रूव करनी है, एबी के पैरेलल प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में हमने देखा क्या है, डीई डिवाइड्स इन सेम रेशियो, भाई सेम रेशियो में डिवाइड कर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सीडी अपॉन डीए इक्वल सीई अपॉन ईबी, हम लिखते हैं। उसने बोला सीडी अपॉन डीए इक्वल किसके होगा बच्चों, सीई अपॉन ईबी के क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ भाई, उसने सेम रेशियो बोला है ना, तो रेशियो तो हम ऐसे निकालते हैं ना, दिस वन अपॉन दिस, सी अपॉन दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, गिवन हो गया आपके सामने, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, टू प्रूव, डीई किसके पहले प्रूव करनी है बच्चों, एबी के आपको प्रूव करनी है। बट यदि हम थेल्स थ्योरम की बात करते हैं, तो थेल्स थ्योरम में उसने क्या बोला था, डीई पैरेलल एबी आपको गिवन था, उसमें हमने रेशियो को प्रूव करना था, सेम रेशियो, इसमें क्या कर दिया, इसका अपोजिट कर दिया, रेशियो हमको दे दिया। अब हमको क्या प्रूव करनी है, लाइन को क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। अब हम यहां पे एक चीज देखते हैं, भाई डीई पैरेलल ए बी है तो वो कब होगी, उसके लिए बच्चों हमको क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, अभी बताता हूं। ये कंस्ट्रक्शन कर दी, सपोज दिस इज एफ, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, हम सपोज करेंगे क्या कि जो डी एफ है ना, वो ए बी के पैरेलल है, क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, डी एफ पैरेलल किसके करेंगे बच्चों, ए बी के, समझ में। हमने मान लिया भाई, देखिए कंस्ट्रक्शन से हम मान लेंगे, ऐसे कैसे प्रूव कर दिया भाई इसको कि डीई पैरेलल ए बी, उसके लिए क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दी, आ गया समझ में। अब भाई हम क्या करेंगे, अब हमको प्रूफ करना है, क्या करेंगे, प्रूफ, इसको प्रूफ करेंगे भाई ये क्या चीज, ये पैरेलल कैसे आएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या है रेशियो, हमने निकाल रखी है, ये चीज आपको दे रखी है ना, गिवन दे रखी है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, आप उसने बोला सीडी अपॉन डीए इक्वल सीई अपॉन ईबी, ये आपको क्या दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है, गिवन है भाई, ठीक है। अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, भाई डी एफ पैरेलल ए बी, अब हम इसको इक्वेशन नंबर वन डालेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे डी एफ पैरेलल ए बी कब, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ए बी सी ट्रायंगल में दोबारा से इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो क्या होगा बच्चों, सी डी अपॉन डीए, ठीक है, इक्वल, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा बच्चों, अब यहां पे ध्यान से देखना है क्या होगा, वो होगा सी एफ अपॉन एफ बी,
क्या बोला ध्यान से देखेंगे कि भाई जब हमने डी एफ पैरेलल के अच्छे थ्योरम चोरम कब लगती है, जब भाई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल दे रखी होती है। ये हमने सर उसने तो कोई पैरेलल दी नहीं है लाइन, बट हमने यहाँ पे मान लिया ना भाई कंस्ट्रक्शन में कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो क्या आपस में पैरेलल है, तो लिखेंगे सी डी। अब क्या करेंगे सी एफ, क्या लिखेंगे बच्चों सी एफ अपॉन कितना हो जाएगा एफ बी। ये चीज समझ में आई बच्चों कैसे कंस्ट्रक्शन से पहले मान ली छेद चोरम हमारी यही कहती है। ठीक है तीसरी इक्वेशन नंबर टू, अब हम एक चीज देखेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को क्या करेंगे बच्चों कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते देखेंगे सीडी अपॉन डीए, सीडी अपॉन डीए दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ सीई अपॉन ईबी वो किसके इक्वल आ जाएगा सी एफ अपॉन एफ बी। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यहां से क्या हुआ बच्चों सीई अपॉन ईबी वो किसके इक्वल आ गया बच्चों सी एफ अपॉन एफ। समझ में हाँ भाई इसका फायदा क्या हुआ, हम एक चीज देखते हैं सीई कहां भाई ये है हमारी सीई, सीई अपॉन ईबी वो किसके इक्वल होगी सी एफ अपॉन एफ बी के इक्वल होगी। ठीक है अब क्या करेंगे, अब भाई यदि हमको ये लाइन पता लग जाए इस तरीके से, यदि हम इसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, क्या बोला यदि हम सी एफ में ध्यान से देखेंगे बच्चों यदि हम सीई में ई भी ऐड कर देते हैं तो लाइन कौन सी बन जाएगी बच्चों बीसी बन जाएगी। समझ में आया, तो ऐसे ही सी एफ में एफ भी ऐड करेंगे, सी एफ में एफ भी ऐड करेंगे तो भी हमारी लाइन बन जाएगी। तो लिखेंगे एडिंग वन बोथ साइड्स, अब यहां पर क्या करेंगे हम एडिंग एड करेंगे, तो एडिंग वन बोथ साइड्स, अब वन ऐड करते ही हमारा क्या हुआ सीई अपॉन ईबी प्लस वन इक्वल सी एफ अपॉन एफ बी प्लस वन। अब इससे क्या होगा सीई है ना बच्चों, अब एलसीएम लेंगे तो सीई प्लस ईबी अपॉन ईबी इक्वल ये क्या होगा सी एफ अपॉन एफ बी, यहां पे क्या हो जाएगा एफ बी एड। समझ में क्या हमने कोई चीज डिफरेंट की है? नहीं कि सर वन ऐड किया, क्यों किया अभी बताऊंगा। अब देखेंगे सीई प्लस ईबी ये रहा भाई सीई और ये क्या है ईबी, तो हमारी लाइन कौन सी बन रही है बच्चों पूरी बन गई हमारी सीबी, सीबी अपॉन ईबी वो किसके इक्वल होगा वो हम देखेंगे सी एफ अपॉन एफ बी वो भी क्या हो जाएगा सीबी अपॉन एफ। ठीक है क्या हमने कुछ अलग किया, नहीं किया ना बच्चों, क्या किया केवल इसमें वन ऐड किया, वन ऐड किस लिए किया क्योंकि हमको पूरी साइड्स लेनी थी, यदि हम ईबी ईबी और एफ बी को इक्वल कर देंगे तो ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, बट उसके लिए भी एक कंडीशन अभी बताऊंगा बच्चों। तो ये अब आप इस सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, अब मैंने लिख दिया, अब हम दोनों को यदि कंपेयर करते हैं तो देखेंगे इक्वल टू का साइन है तो सीबी से सीबी कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा बच्चों वन अपॉन ईबी इक्वल वन अपॉन एफ बी। ठीक है अब हम क्या करेंगे इक्वल टू का साइन है यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हुआ बच्चों ये इस साइड आ जाएगा, लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हुआ बच्चों एफ बी किसके इक्वल आ गई बच्चों ईबी के इक्वल आ गई। अब हम यहां देखेंगे एफ बी कहां है, एफ बी ये ना भाई एफ बी ये पूरी लाइन है ठीक है, और क्या है ईबी, ईबी हमारी ये लाइन है, ये हमारी इक्वल होगी, इक्वल कब हुई देखिए अब हमारी इक्वल हुई तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा देयर फोर क्या कि डीई पैरेलल एबी हेंस प्रूव्ड, लिख दिया। बट सर आपने जैसे कैसे लिख दिया कि भाई जब दोनों इक्वल है ये है उसके लिए कंडीशन एक होगी बच्चों क्या कि जो पॉइंट F और E है ना वो कोइंसाइड होंगे जब हमारी ये लाइन क्या होगी पैरेलल, तो लिखेंगे क्यों होगी बिकॉज पॉइंट लिखेंगे F एंड E आर कोइंसाइड। समझ में आया, देखेंगे भाई ये वाली चीज बड़ी वाली इसके इक्वल है मतलब हमारा रेशियो ही तो है ये, जब हमारा रेशियो इक्वल इसका मतलब कब होगी जब ये लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल कौन सी होंगी डीई अपॉन एबी, कब होंगी जब ये जो बच्चों पॉइंट्स है ना वो कोइंसाइड होंगे, कोइंसाइड का मतलब है इसके ट्रायंगल के अंदर होंगे। समझ में आया, तो आप ये एक्सरसाइज सॉरी थ्योरम 6.2 आपके एक्सरसाइज में बहुत काम आएगी जिसको कन्वर्जन ऑफ
बीपीटी थ्योरम, थेल थ्योरम कहते हैं, थेल थ्योरम आपने पढ़ी थी। अभी हमने जो देखा है क्या किया था, कुछ चीज न्यू नहीं है, बस क्या था यहाँ पे हमने डीएफ पैरेलल किए, वो हम मान लेंगे कि डीएफ पैरेलल एबी बाय कंस्ट्रक्शन से मान लेंगे। समझ में आया बच्चों? फिर भी इस थ्योरम में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो दो थ्योरम्स है ना बच्चों, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्जन और ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी में जो सिक्स चैप्टर करेंगे वहां पे आपकी क्या होगी, यूज होगी। तो आपको क्या क्या समझ में आया थेल थ्योरम से, कि थेल थ्योरम ये कहती है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, बट कब होना चाहिए, जब लाइन क्या होंगी बच्चों, हमारी पैरेलल होंगी। तो देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट वन क्वेश्चन, 6.2। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है इन फिगर 6.17, उसने दो फिगर दे रखी हैं बच्चों 1 और 2, उसने क्या बोल दिया, उसने बोला डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, अभी फिगर बनाऊंगा बच्चों, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। तो उसने बोला है कि फाइंड, आपको फाइंड करना है ईसी फर्स्ट पार्ट में करना है एंड एडी आपको फाइंड आउट करना है इन सेकेंड। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट हम फिगर क्या है, एक ट्रायंगल है आपके सामने, उसने यहां पे बोल दी ये वाली चीज ऐसे ए बी सी, ये आपको देखते हैं उसने क्या दिया, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, यहां पे डी पॉइंट है, यहां पे ई पॉइंट है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना, दिस इज, देखिए उसने क्या बोला, डीई पैरेलल बीसी। अब ये क्या दे दिया, अब इस तरीके के क्वेश्चन हमने कब किए हैं बच्चों, जब हमने थ्योरम की थी ना, तो इस टाइप का ट्रायंगल किया था ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे कि भाई डीई पैरेलल बीसी दे दिया, एक ट्रायंगल है उसके अंदर ये साइड इसके पैरेलल दे दी, तो क्या लगेगी भाई, थेल थ्योरम लगेगी, थेल थ्योरम का जो रेशियो है उससे हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको भी देखेंगे भाई, अब फर्स्ट पार्ट है, अब सेकेंड पार्ट में उसने कैसे दिया है, फिगर कैसे दिया देखेंगे। ये भी डी ई है, ये ए, ये बच्चों 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 7.2 सेंटीमीटर और दिस इज बस ये ही। ठीक है, ए बी यहां पे दे रखा हूं, बस ध्यान से देखेंगे। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला, डी पैरेलल बी सी। अब यदि हम, दिस इज आवर फिगर वन, दिस इज आवर फिगर टू, अब हम फिगर वन और फिगर टू को देखते हैं, उसने बोला डी पैरेलल बी सी, यहां फिगर वन में भी डी पैरेलल बी सी के इक्वल है और सेकेंड वन फिगर में भी डी पैरेलल बी सी के इक्वल है। ओके, अब फर्स्ट वन इक्वेशन है जो हमारा फिगर है बच्चों, इक्वेशन नहीं फिगर सॉरी, इसी फाइंड आउट करना आपको, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकेंड में क्या करना, एडी फाइंड आउट करना, एडी ये वाला फाइंड आउट करना। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे एनालाइज करेंगे भाई क्वेश्चन को, इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी। अब हम यहां पे एक चीज देखेंगे, जब एक साइड थर्ड साइड के एक पैरेलल दे रखी होती है तो क्या लगती है बच्चों, थेल थ्योरम लगती है, बीपीटी थ्योरम लगती है, लिखेंगे बाई बीपीटी थ्योरम, या इसको हम थेल थ्योरम भी बोल सकते हैं। थेल थ्योरम क्या कहती थी, जब एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं तो उनका रेशियो भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो रेशियो क्या होगा, AB अपॉन DB, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, वो होगा AE अपॉन EC के इक्वल होगा। अब हम यहां पे एक चीज देखेंगे भाई, AD की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 अपॉन DB की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इक्वल AE की कितनी दे रखी है 1 और EC आपको फाइंड आउट करना भाई, दिस इज इसी फर्स्ट फिगर में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे करेंगे, यदि हम इसको पॉइंट को यहां से हटाएं तो यहां पे 30 आ गया, तो 15 2 30, तो यहां पे क्या आया बच्चों, यहां पे हमने देखा 1/2 = 1/EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर, ये हमको निकालना था, निकाल दिया। समझ में आया भाई, थेल थ्योरम लगा दी, केवल पुटी करनी है वैल्यूज आपको। ठीक है, अब सेकेंड फिगर में देखते हैं, अब उसने क्या दे रखा है, उसने एडी निकालना भाई, एडी निकाल लेंगे तो भाई ये हमारी पैरेलल दे रखी थी, पैरेलल दे रखी है तो क्या होगा, हमारी बीपीटी थ्योरम लगेगी, लिखेंगे भाई सेम वही प्रोसेस करना है, बीपीटी थ्योरम लिख देंगे।
ठीक है। अब क्या होगा, रेशियो क्या होगा बच्चों, एडी एडी अपॉन डीबी वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। अब यहां पे हम एक चीज देखें, क्या क्या गिवन, एडी गिवन है, नहीं है भाई निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट लिख देंगे, ठीक है। डीबी डीबी की वैल्यू कितनी है 7.2, इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 1.8 और एसी की वैल्यू कितनी है 5.4। जब हम इसको सोल्व करेंगे यहां देखेंगे पॉइंट से, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 18 से कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ, एडी अपॉन 7.2 इक्वल 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 3AD इक्वल 7.2। अब AD की वैल्यू निकालनी है तो AD इक्वल 7.2 अपॉन 3, तो यहां पे इसको देखेंगे यहां पे 0 आ जाएगा, कट ओके। अब माइनस इसको सोल्व करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, यहां पे 3 4 जा, तो AD की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितना निकल गई 2.4 सेंटीमीटर। क्या चीज क्या, कुछ नहीं क्या, केवल रेशियो था, बीपीटी थ्योरम लगा दी, सारी चीजें आपको गिवन थी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। यदि फिर भी इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का। बच्चों बट यहाँ पे इस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर हाँ पे ट्रायंगल है, कैसे हमको पता लगेगा। जैसे जैसे आप हमारे वीडियो देखोगे ना, तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रायंगल तो बिल्कुल इजी काम है, चुटकियों में सोल्व होगा हमसे ट्रायंगल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसने क्या दे रखा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। उसने फिगर नहीं बनाई बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल्स में एक चीज आपको ध्यान जरूर रखनी है, आपको फिगर जरूर बनानी है। जो उसने बोला हम उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे। यदि उसने गिवन दे रखी है तो हम एज इट इज उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज हमको क्या करनी है, फिगर ड्रॉ करनी है। अब उसने क्या बोला है कि ई एंड एफ पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। उसने क्या बोला, ई एंड एफ, E और F पॉइंट है भाई, E कहां पे है, PQ पे, PQ पे यहां पे E एक पॉइंट है, ठीक है। एंड F पॉइंट है PR पे, F ये P है, F है यहां पे, ठीक है भाई। उसने पॉइंट दिया, आगे देखते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको केसेस दे रखे हैं, तीन केसेस हैं यहां पे, हम देखते हैं। उसने बोला वेदर EF, उसने बोला वेदर EF पैरेलल टू QR, क्या हमारा जो इसको हम ज्वाइन करेंगे क्या हमारा ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने फिगर बनाई है, क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, जब भी हमारा ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो उसमें आपको गिवन लिखना है, क्या लिखना है, गिवन भाई, गिवन क्या दे रखा है, गिवन तो कुछ ये दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, समझ में आया। अब भाई टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव तो हमको ये करना है, फर्स्ट वन जो कि अभी देखेंगे हम, टू प्रूव करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। अब उसने बोलना है चेक वेदर, आपको बताना है या नहीं, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, तो प्रूफ में हमने उसने क्या दे रखा है, देखते हैं भाई उसने क्या क्या चीज दे रखी है, गिवन उसने दे दिया, यहां पे लिखता हूं मैं, जो पीई है वो दे दिया बच्चों 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दे दिया उसने 3 सेंटीमीटर, पी एफ दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, एंड एफ आर आपको गिवन दे दिया 2.4 सेंटीमीटर। भाई ये क्वेश्चन दे दिया, आपको बताना ये है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, हमने थेल थ्योरम अच्छे से अभी लर्न की थी, अच्छे से उसको समझा था। तो थेल थ्योरम क्या कहती है, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर कब होगी, कब होगी बच्चों, जब इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो हमारी ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। यदि इनका जो रेशियो हम निकालेंगे, जैसे पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, इनका रेशियो इक्वल नहीं होता है, तो हमारी जो ये लाइंस है ई एफ और क्यू आर के पैरेलल नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं, तो लिखेंगे प्रूफ में क्या करेंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है। अब क्या था वो रेशियो, क्या बोलता है, वो बोलता है भाई पीई अपॉन ई क्यू इक्वल किसकी है, पी एफ अपॉन एफ आर।
यदि ये हम जो रेशो इसने बोला है, देखो ये क्वेश्चन दिया है ना बच्चों, यदि हम इसका रेशो निकाल लेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारी लाइन EF पैरेलल QR के है, अदरवाइज नहीं है। तो PE कितना दे दिया उसने 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ दे दिया उसने 3 इक्वल, PF दे दिया 3.6 और FR दे दिया 2.4। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों 1.3 इक्वल, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3.8 जा 3.1 3.2 जा 2.4 जा और 2.6 जा, अब 3 से 2 से कैंसिल करेंगे 3/2, तो ये क्या है 3/2। क्या ये हमारी दोनों जो रेशियो निकली है बच्चों, यदि हम इसको देखें 1.3 ये कितना होगा 1.5, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल किसके होगा भाई, टू किसे QR, ठीक है समझ में आया। क्या बोल रहा था भाई, उसने बोले कि EF इसके पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव कब होगा थेल थ्योरम से, जब इनका रेशियो इक्वल होगा, बट यहां पे हमने जब रेशियो निकाला ये तो इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया तो भाई EF QR के हमारा पैरेलल नहीं है, समझ में आया। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए फिगर सेम है बच्चों उसमें, अब क्या है केवल इस चीज का डिफरेंस होगा, यहाँ पे वो जो लाइंस है इनकी जो स्टेटमेंट वो लग देगा, आपको चेक करना है सेम वही कंडीशन है कि EF पैरेलल QR है या नहीं है। इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वन पार्ट। उसने क्या बोला, जो PE है उसने दे दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है, QE उसने दे दिया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट PF दे दिया 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है RF दे दिया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके NCERT में ऐसे लिख रखा बच्चों, मैं बोल देता हूं साइड FR और RF ये दोनों आपस में क्या बच्चों इक्वल है, साइड मैं बोल दूं भाई EQ साइड या QE साइड दोनों के आपस में इक्वल ही है ना, सेम चीज है भाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे बाय BPT थ्योरम, ये इसको थेल्स थ्योरम लिख लेंगे, बाय थेल्स थ्योरम। अब आपको पता है ना बच्चों BPT और थेल्स थ्योरम दोनों एक ही चीज है, ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। तो रेशियो क्या होगा भाई, PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। अब PE की कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर अपॉन EQ कितना है 4.5 इक्वल, ये कितना है 8, ये कितना है बच्चों 9। क्या बोला, ये 8 सेंटीमीटर ये 9 सेंटीमीटर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं यहां पे 40 आ गया, अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये 4 8 5 8 45 9 45 इक्वल 8 अपॉन 9। अब हमने देखा कि हाँ भाई ये रेशियो जो थी ना वो हमारी इक्वल आएगी तो क्या हुआ, देयरफॉर EF पैरेलल QR। बस भाई हमारा क्वेश्चन फिनिश, समझ में आया क्या था, रेशो निकालनी है, रेशो निकालेंगे हम, पुट करेंगे, ये इक्वल आएगी तो पैरेलल है, इक्वल नहीं आई तो पैरेलल नहीं है रेशो, समझ में आया। देखते हैं आज का हमारा थर्ड वन पार्ट, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो है उसमें हम इसके NCERT 6.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। अब उसने बोला भाई लास्ट वन क्वेश्चन, ये उसने क्या क्या बोला, उसने बोला PQ है, हाँ अब देखते हैं उसने क्या दिया बच्चों। अब यहां पे एक चीज, एक मिनट के लिए इसको वो करते हैं, PQ उसने दे दिया नेक्स्ट PQ दे दिया 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दे दिया उसने PR दे दिया 2.56 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है PE दे दिया 0.18 सेंटीमीटर, और उसने दिया PF ये दे दिया 0.36 सेंटीमीटर, ओके। अब हम देखेंगे, हमने जो अभी तक सेकंड पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट वन सेकंड पार्ट अभी देखा हमने, उसमें क्या दे रखा था, उसने दे रखा था भाई PE अपॉन EQ, बट यहां पे देखते PQ की वैल्यू दे दी उसने, PQ की पूरी वैल्यू, और यहां पे PR की वैल्यू पूरी दे दी, तो यहां से हम क्या लगाएंगे भाई, थेल्स थ्योरम लगाएंगे या थेल्स थ्योरम का कन्वर्जन लगाएंगे, वो आप भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क इसलिए बच्चों क्योंकि अभी आपको आपने क्या देखिए, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम देखिए, थेल्स थ्योरम भी अच्छे से कंप्लीट कर ली, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बताएंगे ये पैरेलल है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे आपको भाई पीछे से आंसर नहीं देखना है, NCERT में हमें पीछे से देखा ये पैरेलल है या ये पैरेलल नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना,
आपको सोल्व करना है, उसके आप क्या करेंगे, पिक क्लिक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, सर ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने ऐसे निकालना है, ये हमसे नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी, कल जो वीडियो आएगी बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से प्रूव भी करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3-4 अप टू इसमें 10th क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को लाइक करेंगे, जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।